नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार के जिला बदर के आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक 20 नवंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार कर सकेगा। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को 20 नवंबर के बाद जिला दंडाधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की स्वतंत्रता दी। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के त्योंथर विधानसभा सीट से विंध्य जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रत्याशी अरुण कुमार गौतम से जुड़ा है। कलेक्टरों के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे। रीवा और खरगोन कलेक्टर ने उम्मीदवारों को किया जिला बदर। रीवा कलेक्टर पाल ने अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो पिता राधेश्याम गौतम को 24 घंटे पहले जिला बदर करने का आदेश दिया। गौतम रीवा जिले के ग्राम जोरिहा टोला सोनोडी थाना सोहागी त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमांडो पर शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने समेत 16 केस दर्ज हैं। धनतेरस पर कुबेर देव के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। धन की कामना के लिए कुबेर की प्रतिमा पर इत्र लगाने की परंपरा। शुक्रवार को धन त्रयोदशी के अवसर पर सुख समृद्धि और धन की कामना के साथ श्रद्धालुओं के धन के देवता कुबेर देव के दर्शन किए। कुबेर की नाभि पर इत्र लगाकर कामना की गई। सुबह से ही श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे थे। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की गुरु दक्षिणा देने के लिए धन की पोटली लेकर कुबेर आए थे, फिर यही रह गई, तभी से यहां पर प्रतिमा विराजित है। चंद मिनट में 7 दुकानों के चोरों ने तोड़े शटर। महिला कर रही है चोर गैंग को लीड। पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज। जबलपुर में इन दिनों एक ऐसी चोर गैंग सक्रिय है जिसकी सरगना एक लड़की है। यह चोर गैंग पलक झपकते ही शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसती है और फिर दुकान में रखे कीमती सामान सहित नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ ही घंटे के अंदर ही चोर गैंग ने 7 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। घटना के बाद दुकान संचालकों ने गड़ा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री की सभाएं। शिवराज सिंह ने कहा राहुल गांधी और उनकी टीम मिसगाइडेड मिसाइल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। बेरोजगारी भत्ता की जगह पर बकरी चराने की योजना बनाई। नीतीश कुमार ने मां बहन के बारे में क्या बोला। दिल्ली में यह उद्योगपतियों का विरोध करते हैं जबकि उद्योगपति कमलनाथ को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते हैं। यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के सबसे भ्रष्ट भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम मिसगाइडेड मिसाइल है। इन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की एवं सारी योजनाएं बंद कर दी थी। विजय वर्गीय बोले नशे के शौकीन हो तो घर में पियो। कहा इंदौर का नया नाइट कल्चर नशा करने वालों का है। विजय वर्गीय ने गुरुवार रात कहा कि नशे के जो शौकीन लोग हैं मैं उनसे कहता हूं घर में पियो, कमरे के अंदर पियो, चौराहे पर मत झूमो। ये इंदौर की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात है। दुनिया में कहीं नाइट कल्चर नहीं था लेकिन हमारे यहाँ नाइट कल्चर यानी सराफा था। मैं 67 साल का हूँ और बचपन से देख रहा हूँ सराफा के नाइट कल्चर में लोग परिवार सहित आते हैं और जमकर खाते हैं। कांग्रेस ने उनके इस बयान पर आपत्ति ली है। चुनाव से पहले कमलनाथ की शिवराज सरकार को खुली चुनौती। कहा याद रखना कल के बाद परसों भी आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज महज 6 दिन ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस बसपा और सपा सहित अन्य दलों के दिग्गजों द्वारा ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा पहुंचे जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि याद रखना कल के बाद परसों भी आता है। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा मैं चाहता हूं आपने 35 सालों तक जो गुलामी की है उस गुलामी से आपको छुटकारा मिले, साथ ही जिस अत्याचार और भ्रष्टाचार का ये केंद्र है इस केंद्र का भी हम इलाज करेंगे। राहुल के केदारनाथ मंदिर जाने पर सीएम योगी का तंज। कहा अब उन्हें भी समझ आ गया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरसिंहपुर जिले में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में सोमनाथ मंदिर के विकास की योजना तैयार की थी लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मुझे जब पता चला राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने गए हैं तब मुझे लगा ये अच्छा है। राहुल भी समझ गया कि उनके लिए सही रास्ता क्या है।
विदिशा के स्कूल में जय श्री राम के नारे के बाद विवाद FIR दर्ज करने के निर्देश। जानकारी के मुताबिक विदिशा जिले के गंजवा सौदा स्थित भारत माता कॉन्वेंट स्कूल प्रशासन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक छात्र द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने पर पीटने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उक्त मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जबकि पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन अलग ही सफाई दे रहा है। राहुल बोले, तोमर के बेटे पर मोदी ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं। बड़वानी में कहा, MP को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें एक ही OBC राहुल गांधी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सतना में चुनावी सभा के बाद बड़वानी के राजपुर में राहुल ने कहा, तोमर जी के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद PM मोदी और ED ने कार्रवाई क्यों नहीं की। राहुल ने कहा, मध्य प्रदेश को 13 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर OBC है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो OBC अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50% लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर।